नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूँ प्रताप राठौर। 2022 के चुनाव की जो उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है वो आप देख रहे हैं, किस तरीके से क्या राजनीति चल रही है, क्योंकि कैराना प्लान और कैराना के कई मुद्दे लेकर भाजपा भी उस चीज को भुनाने में लगी है। आज हम शामली विधानसभा की जो सीट है यहाँ पर बनत में है, कस्बा बनत में, हम उनसे लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल बनत में है, क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा से जो कैंडिडेट हैं वे तेजेंद्र निर्वाल हैं और जो जो गठबंधन है उसके कैंडिडेट हमारे प्रसन्न चौधरी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो लोग हैं ये इनका क्या मूड है, अब ये क्या चाहते हैं। सर क्या नाम आपका? अरविंद कुमार विश्वकर्मा। अरविंद कुमार जी, क्या माहौल लग रहा है अब चुनाव में, क्या चल रहा है? माहौल लग रहा जय श्री राम, सबका विकास सबका साथ। नहीं तो जय श्री राम यानी कि सबका विकास और सबका साथ, किसका साथ? सबका विकास सबका साथ, जो हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, सबका विकास सबका साथ। तो यहाँ पर तो आरएलडी के गठबंधन से जो प्रसन्न चौधरी है उनका क्या रहेगा? बनत है, बनत में उनका आवास भी, रहने का फार्म हाउस भी है, तो उनका क्या सिचुएशन, क्या देख रहे हैं आप? ऐसा है जी, उसे देखने का ये है, अब देखो यहाँ हरिजन गडरिया और कसम समाज, जी जी जी, ये सब विश्वकर्मा जी, ये इसके सब फूल की साथ है भाजपा की, और भाजपा वोट दे, भाजपा की वोट है। हाँ, भाजपा की वोट है, भाजपा वोट दे। नहीं तो गठबंधन नहीं चलेगा आपकी बात? अजी, गठबंधन तो पहले भी चल रहा था, इब भी चलेगा। गठबंधन तो ऐसे ही हो, सब गठबंधन क्या हो, ये तो 13 का दंगा हुआ। 13 का दंगा में देख लो क्या गठबंधन क्या हुआ, उसमें बहुत बुरा हाल हुआ। तो आज भी दंगा याद है लोगों को? लोगों को आज भी दंगा याद है, रहेगा, बुला नहीं पाए ना, भूल ले। अच्छा, बीजेपी कैराना प्लान का मुद्दा भी उठा रही है, 2022 के चुनाव में क्या चल पाएगा ये? तो चलो जा जी, थोड़ा घड़ा तो चलता ही रहे। हाँ, अब क्या, वहाँ से मरगंगा आएगी, सब समाप्त हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सुनो, ताऊ जी भी थोड़ा नाराज हो गए। ताऊ जी की हम राय लेते हैं। ताऊ जी बैठो, आप अपने बताओ। जी जी, क्या नाम आपका? विरम सिंह है। विरम सिंह जी, क्या देख रहे हैं आप? सियाराम ही इन्हीं का है, महारानी सियाराम। इसलिए इसका निकाल सियाराम। चलो देखो, भगवान है उनके लिए। अरे भाई, यहाँ तो 3% तो तीन डेरी तो है भाजपा लोकदल। अच्छा। और एक डेरी है भाजपा। अच्छा, तो आप किसके साथ हैं? हम तो लोकदल में है। लोकदल में गठबंधन के प्रत्याशी को दमदारी से जिताओ? जान देंगे, कट भी जाएंगे, जाएंगे मारेंगे, चलो डेबी कारो में बदलने भी नहीं काम में। अच्छा, जो दंगे का मामला चल रहा 2013 का, मेरे मुंह से दंगा पंगा है भी कुछ? इसका हम एक हुए मेरे मुल्ला जी। अच्छा, यानी कि अब भाईचारा है? भाईचारा पूरे जोरों से है जी, तो भाईचारा चलेगा चलेगा। बीजेपी जो अपने दावे कर रही है, दंगा भी हुआ, प्लान भी हुआ, झुक के कर रही सारे। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो गठबंधन पर जोर, इतना प्यार है महाराज मुसलमानों का, तो भाई जाट के एक ही रोटी खावे हम तो दोनों। अच्छा, इसका मुंह ही नहीं हटता। अच्छा, तो देख सकते हैं हमारे साथ में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, उनसे बात करके क्या मुस्लिम समाज एक हो पाएगा गठबंधन को लेकर? इंशाल्लाह एक होगा, एक होगा, जाट जाट भी और कर्म जो भी किसान है सब एक होगा, एक किसान। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल हुई, कुछ मोमडन ही थे लड़के, कह लगे भाई तुम प्रसन्न चौधरी को यहाँ पे आ रहा होंगे हम, और वहाँ पे हम इतने हजार हैं, तो इस तरीके कोई बकवास है, सब बकवास है, झूठ बोलते हैं। हाँ, यहाँ प्रसन्न चौधरी को जीता मैंने, खूब ढेर जीतता का, जी जी, ढेर से जीतता का। अच्छा, ऐलान है तो हमारे एक काम कर लो। हाँ, तो ऐसा है, कौन भाईचारा चलेगा आपकी बात? भाईचारा क्या, कोई भर भर का मिलेंगे? झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी को, सत्य मन से बात करनी चाहिए। मैं बताऊं तो मैं ये जो हेरा फेरी की बात है बहुत कम करनी चाहिए आदमी को। जी जी, झूठ झूठ बोलते हो सारी उम्र होगी, झूठ बोलते आ रहे, अरे भी झूठ बोल रहे, भाजपा का बोल रहा, ये भाजपा का बोल रहा, राम सारे का आदमी है कि राम सारे का, चार प्रोग्राम ले लिए राम सारे के आदमी ने, और बकवास मारता है। अच्छा अच्छा, तो भाईचारा आपके बाहर कायम रहेगा? कायम रहेगा। चुनाव में क्या माहौल रहेगा? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, वो खड़ा रहे क्यों? हम तो इस 5 साल में किसी का झोटा घुसा हो बताओ, कोई 5 साल में दंगा बवाल होया हो बताओ,
ये तो बोखला रहे जी, पता नहीं सत्ता कब जाने के लिए पता नहीं क्या क्या डायलॉग मार रहे। एक ही भी कह रहा था, मैं कह रहा बुझ भर देंगे तेरा, मैं तो पहले काट के रहे ने ये कोली भर रहे, बुझ भर देंगे ये बुझ भी भरवा देंगे, जो कुछ बचे कुछ है बुझ भरवा लेंगे। सरकार योगी की बन रही, आने वाले टाइम में कुछ नहीं है, ये तो खम्मा गए के पांच चंद आदमी है अपना जो है पता नहीं क्या कहना। योगी की सरकार बन रही नहीं बन रही? अच्छा हाँ, ये सर धरलो जी मेरी साथ में, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना का जो वीडियो वायरल हुई, इसका कोई तुष्टिकरण नहीं होगी। मुस्लिम एक तरफ रहेगा, हाँ एक तरफ रहेगा गठबंधन, गठबंधन। अच्छा कांग्रेस के भी अयूब जंग है यहाँ पे, वे भी मुस्लिम है, उनका क्या रहेगा? उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा उनका, कोई नहीं रहेगा जी। अजी ये तो देख लिया अभी, अभी बात करने में कितना फर्क है इनके, ये तो बोखला रहे बेचारे कुछ नहीं। आपका क्या मानना है? भाई मानना तो हमारा लोग दल ही है अभी। हाँ सारे छोड़ गए खेतों में, किसान दिए मार, ये भी मोदी योगी जी कहता वह काम देंगे, काम तो दे दिया उन्होंने, बछड़े रहे अपने खेत में वहाँ, काम तो ना बढ़िया मिल रहा, घर के नहीं रहे बाहर के नहीं रहे, खेत पे बैठे अपने नेहरू है। आपका क्या रहेगा मानना? लोकदल है भाई, लोकदल है। हाँ अच्छा जी। तो बीजेपी के जो दावे हैं उस पर अभी कुछ कारगर साबित नहीं? नहीं जुटे हैं सब, सब एक तरफ है, कुछ नहीं, सब फसल बर्बाद होगी, बर्बाद हो गया, किसान मार दिया उन्होंने, किसान बर्बाद हो गए, फसल खराब होगी, बछड़े छोड़ दिए, इसका तो इफेक्ट पड़ा। ये तो पहले से चलता आ रहा जी, फसल तो बताओ मौसम की मार तो पड़ी है फसल पे, कदनी पड़ दी आ रही, शुरू तो आ रही पड़ती हुई है, इतने इतने घर बनवा दिए, इतनों को राशन मिल रहा है, इतना हो गया है, किसानों का कर्जा माफ भी होया, दो दो हजार रुपए भी आ रहे है जी, ये तो खम मगाएंगे चाहते नहीं, दो दो हजार रुपए चाहते नहीं है ये, अपने को अपने आप रख लो, दो दो हजार रुपए कोई बात, कार्ड फिर एक बात तो बताओ, खाते में आ रहे, कार्ड भी रहे, उन्हें यूज भी कर रहे ना, लो हाँ दे रहे, क्यों दे रहे, संतुष्ट नहीं अभी नहीं है, क्यों दे रहे बताओ, किसानों की समस्या और क्या है? समस्या तो बतेरी है किसानों की, बिजली का बिल बढ़ा रखे, डीजलों पर रुपए बढ़ा दिए, फसल बिजार खा गए नहीं, ये कहाँ जाएंगे, भुखमरी आ रही। आपका क्या मानना है जी, क्या रहेगा अब मई के चुनाव में, क्योंकि पहले चरण का चुनाव शामली का ही है, तो उसमें क्या जनता क्या सोचती है? ऐसा है ये जो कोई RLD को कह रहा, कोई सबक कह रहा, कोई बहुजन कह रहा, ये तो सब जो है झड़ निकल रही और कुछ नहीं है, ये भी जब बछड़े फसल खा रहे, हमारी भी तो पहले बछड़ों को खावे थे, पहले चलो गौवंश है फसल खा रहा, ये भी तो पहले इन्हें खाया जा था, उस पर काम देने लग रहा। तो आप क्या सोचते हैं 2022 का 10 तारीख में जनता किसका निर्णय करेगी? यो तो बीजेपी आनी है, बीजेपी। आप सुनो सुनो, पहले आराम बैठ, आराम से बैठ, बकवास लग रहा है, बैठ कर चलिए बस, अरे मेरे रहला ठीक लगा, दिन रात बकवास लग रहा है, दो आदमी में बैठ ये देख लो जी, ये भी धमकी दे रहे हैं, और ये अगर ये कुछ बन गए तो हमें तो काम में रहने नहीं देंगे, ये भी देख लो जी की धमकी। अच्छा चलो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सरकार तो आवेगी बीजेपी की, उसका एक रीजन है, मतलब एक तो भैंस खुलने बंद हो गए, जोटे खुलने बंद हो गए, बाले पछड़े फसल ही खा रहे, इब तो पहले तो पछड़ों को खा जा रहा था, अरे मेरे 30,000 रुपए का खर्चा है, 32,000 रुपए का एक आदमी पे, और कांग्रेस की सरकार में क्या कर्जा था बताओ, विदेशी कर्जा। तो आपके लिए बेटर सरकार कौन सी रहेगी? यही रहेगी लोकदल की, लोकदल गठबंधन, लोकदल पोकदल कोई नहीं आती, यहाँ की यहाँ बीजेपी आवेगी। इतना पहले आज तो सुनो, जितने RLD वाले हैं, RLD वाले तीन को टिकट हुआ है, जाटों को SC जाटों को टिकट हो रहा है, हमें कहाँ जाएंगे, वे भी तो बीजेपी को भी वोट देंगे, तो बीजेपी भी तो जाटों पे अपना फोकस कर रही है, जो गृहमंत्री है, गृहमंत्री है, वे भी जाटों को मनाने में लगे हुए हैं, क्षेत्र में डोर टू डोर जाएगा, वे पैसे देगा, बुला कर लाकर करवाएगा झूठी पंचायत, और वो कर दिया, उन्होंने बता दे कौन सी खाप का चौधरी गया था, बता दो कौन खंडा जा रहा था, यूके निर्वाण देश वाल किसी भी कोई भी खाप का जो चौधरी होगा, बस झूठा बना रहे जुआड़। तो
तो वो समीकरण चल नहीं पाएगा जो बीजेपी जो जाट नाराज है उन्हें एक पट्टी पर नहीं रहेगा। सुन तो ना, 760 में एक भी गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री ने कोई हो 760 मरे आंसू पाया हो और जो है लोगों को किसान कोई बनाने लगी। किसानों के साथ समस्या रही उसमें बीजेपी कहाँ तक पार कर पाएगी? बीजेपी ने सारा पार कर दिया। यूनिट यूनिट कितनी कर दो? बिल माफ की बात आई, कर्जा माफ की बात है। जिस टाइम योगी पहली बार सरकार में बैठा था उसने 1,00,000 रुपए सबके माफ करे, वहाँ से मंडी में सबको जो है उन्हें सर्टिफिकेट दिए बिल माफी के। आप व्यापारी हैं? है व्यापारी? मैं सारी किस्म का हूँ, मैं व्यापारी भी हूँ, मैं किसान भी हूँ। मैं किसान भी हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, मेरे भी जो है जमीन है, मेरे नुंगने भी जो है बिजार घूमे है। एक बात बताओ, सब नु कह रहे कहले बिजार फसल खा रहे। जब इतना पहले बिजार को खाया जा रहा, किसने एक्शन लिया? क्या सपा ने एक्शन लिया? वे गोवंश नहीं है, बताओ किसने लिया एक्शन? तो डिसाइड क्या करेंगे जनता? जनता क्या डिसाइड करती है? जनता तो डिसाइड कर, जनता का तो है सब लोग दल बचाएंगे। जो किसान तो जो वो किसान ही नहीं जो इस तरह गठबंधन तक भाग गए। शर्मा दारू की सरकार है या किसी को भरण दे रही? बताओ किसी 5 साल लड़के दौड़ते मर गए सड़कों पे, बताओ कि जय भर्ती गई है पोस्टपोन हुई? पहले सारी भर्ती जो है फर्जी होती और कितने जो है लिखे फर्जी में, मास्टर की भी फर्जी डिग्री मिली है, वहां बिठा के फर्जी पेपर दुआ करवा देते, कहला चलो हो गया पास। सारे यादव थे, बता दो पहले कौन से दम इतने थी घट रहे, कौन से थरे कितने जाकत लगे हुए? यादव लग रहे थे 90%। पहले के भाई सुन लो मेरी बात, इससे कहते कोसारा नहीं, 5 भर्ती जो 5 में कोई लम डगर चक्कर दौड़ते मर गए। हमारे साथ यहाँ पे युवा भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर? लोकदल, लोकदल यानी कि युवाओं को रोजगार के लिए लोकदल कुछ सहारा करेगी, युवाओं का सहारा बनेगी, करेगी सहारा करेगी, सहायता भी करेगी। तो बीजेपी बीजेपी नहीं, बीजेपी का कोई नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात। सर किसानों की समस्या रही बहुत ज्यादा, समझ किसान इस चीज से नाराज है बीजेपी, क्या और जो लोग हैं और जो बिरादरी के लोग हैं वे उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? जी ऐसा है, देखो समस्या तो सबके साथ है, ये कोरोना भी आया इसमें भी सबने झेला, सब दुनिया झेल रही कोरोना में, अब समस्या तो सबके साथ है जी। और जो समस्या है सर झेल लेंगे, क्या हो गया अंक नहीं जी। लोकदल हो या भाजपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कोई सी हो, तो सबको झेलनी पड़ेगी। गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी हैं और बीजेपी से तेजेंद्र निर्वाल हैं। हम तो तेजेंद्र निर्वाल के साथ हैं, तेजेंद्र निर्वाल के साथ रहेंगे, भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के साथ ही रहेंगे हमेशा। चोरी खत्म होगी, व्यक्ति की राजनीति खत्म होगी। हमारा गाँव यहाँ से 2 किलोमीटर पे है और सांझ के टाइम हमें अगर हम यहाँ गुजरे थे तो हमें अगर जेब में 10 रुपए ये बड़े तुम्हें धर के जाने पड़े थे, निरक्त में घुस जाते। 1,00,000 रुपए में रहती लेके कहा जी हम लगे, आप बताए किस टाइम का? हम 9 बजे का, हम कोई दहशत ही नहीं है, बछड़े फूलने कटड़े फूलने। तू सारा जिसका 5 बीघे धरती है और उसी का बिगार खा गए, मैं थारे जाऊंगे। कानून व्यवस्था तो सही हुई है, उसको लेकर क्या कहना है? कानून व्यवस्था कैसी रही है? कानून व्यवस्था क्या रही है आपके 5 साल के दौरान? एक मोटरसाइकिल का चलान भी 5,000 भुगता जा भाई, ये बिजार विदेश से थोड़ा आ गया, बिजार भी तो उन्होंने छोड़ रखे है। तू बताओ वह सब किसान है, हम भी किसान है, किसानों ने छोड़ रखे, कहाँ जाएंगे ये? वे विदेश से थोड़ा है बैठगी तीनों बंदोक दास को बस जी। किसानों की नहीं बिजार छोड़ रखे, इनका यह बयान है, तो बिजार जाएंगे कहाँ? नहीं जाए, पहले समाधान नहीं था के, पहले पिछड़े थे आज चले थे, सारे काम होते तो जी भी जब बैन लग गया, फिर अधिकता तो होनी हुई है। तो व्यापारी सुरक्षित है इस सरकार में? व्यापारी नहीं, इस सरकार में मजदूर भी सुरक्षित है, जन जन सुरक्षित है, हर आदमी सुरक्षित है, आराम दस हुए। तो अब की बार फिर योगी सरकार या फिर आपका गठबंधन? इधर ही जो 1,00,000 से जीतता, जो कैंडिडेट 1,00,000 से जीतता, वो कैंडिडेट ऐसा हो सके 20,000 उसका और 80,000 से जीत देगा, वही तो कट रहे। विरोधी तो विरोधियों ने पहले वोट नहीं दी, इवनी देने के बस इतना होगा और कुछ नहीं होना, कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा।
अजी नहीं मतलब ही नहीं, सोच लो मान लिया हम 10 खड़े यहाँ थे, हमने 10 पहले बीजेपी के थे, 2 आरएलडी के हो गए, भाई 2 वोट ही तो कम हुए बीजेपी की सरकार आओगे। बिजली से यादव और जयंत चौधरी आपस में कल प्रेस वार्ता भी करी, तो पहले तो महागठबंधन बिजली 300 यूनिट बिजली की माफी की बात की है उन्होंने, और किसानों जो गन्ना भुगतान है उसके लिए एक अलग से टीम बनाई जाएगी, उसके लिए जो उनका पेमेंट है 15 दिन के भुगतान की बात उन्होंने की है, क्या ये उनका चल पाएगा? ऐसा है भुगतान तो अभी हो रहे पेमेंट के, मैसेज देख लो मेरे मोबाइल में मैसेज है, और रही फाइनल हो रहे कोई कोई मिल बच रही, रही 300 यूनिट की, अगले महीने में 300 यूनिट देने का ही नहीं, बिजली जाए 2 घंटे में, पूरे दिन में बिजली नहीं आई, इन्हें पता कपड़े सूखे सपा में तारों पे, हाँ करंट कहाँ चला इनमें 1500 रुपए हॉर्स पावर है, यहाँ सौ 185 रुपए हॉर्स पावर है, मैं 110 रुपए हॉर्स पावर थी, 187 रुपए हॉर्स पावर है जंगल की बिजली। क्या सोच रहे हैं आप आपके पास चुनाव बदलाव होगा क्या? हाँ ये लगातार बीमारी आ जाए लक्षण आ जाए, जीव तो कोरोना नहीं जा तो के स्कूल बंद करवा रखे, जीव कोरोना, महंगाई को कोई कहता नहीं, 70 रुपए किलो सरसों का तेल था, 200 बिक गया इसके टाइम में, गरीब आदमी आज तक का रिकॉर्ड है, कितनी महंगाई बीजेपी की सरकार कितनी कभी नहीं आई, कभी नहीं, लूट शराम गुंडागर्दी जी 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 जी, किसान उल्लू का पट्टा जो भागा गंजे का कत्ता है, आज क्या है पेमेंट पिछले साल का बिलो नहीं आया, तो किसान बेवकूफ होगा। तो अब की बार मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, गठबंधन या बीजेपी या कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े, कौन सा सही काम करेगा मुझे देंगे वोट, अभी डिसाइड नहीं किया इस चीज के लिए, 10 तारीख में तो वोटिंग है, 10 तारीख में तो वोटिंग है, अभी 10 तारीख में वहाँ के महिला जाने में टाइम बदल गया आदमी का। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जो बीजेपी सरकार में एक तो किसानों की जो समस्या रही उस समस्या को लेकर, और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि गठबंधन भी अब के बार आपके अपना गठबंधन भी आगे रहेगा, तो ये तो जनता ही डिसाइड करेगी आगामी जो 10 तारीख आने वाली है उसको, जो चुनाव है उसमें जनता का क्या मन है तो 10 तारीख में वोटिंग के बाद पता लगेगा, और 10 मार्च के बाद सरकार किसकी बनेगी ये पब्लिक ही तय करेगी। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 बनारस।